हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमने फिजिक्स के पहले और दूसरे पेपर को कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट, पहले और दूसरे पेपर को कुछ तो वीडियो में कंप्लीट किया है और काफ़ी कुछ हमने ऑफलाइन क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहले और दूसरे पेपर के स्टूडेंट हमने काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल तो क्लास में डिस्कस किए और काफ़ी कुछ हमने ऑनलाइन भी डिस्कस किए है, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फिजिक्स का थर्ड पेपर, जिसका नाम है वेव एंड ऑक्सीलेशन। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग, और ऑक्सीलेशन का मतलब होता है दोलन, अर्थात तरंग तथा दोलन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको जैसे यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन जैसे 5 साल में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो सिंपल भी है और आपको वेव एंड ऑक्सीलेशन का कुछ नॉलेज देंगे सिंपल सा। ठीक है, तो अपन आज उनको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं चाह रहा हूं कि 5 साल के पेपर जितना हो सके मैं आपको ऑनलाइन डिस्कस करवा दूं। ठीक है, तो 5 साल के पेपर करेंगे तो हमारे टॉपिक्स तो हो ही जाने पर सेलेक्टेड टॉपिक हो जाएंगे, जिससे आपको कम समय में आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। पर स्टूडेंट, इसको करने से पहले मैं रिवील करना चाहूँगा कि स्टूडेंट आपकी भी मेहनत बराबर रहेगी। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन यदि दोलनी गति से आ रहा है तो दूसरा सीधे ध्वनि से आ रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको इजी वे तो दे रहा हूँ एग्जाम में अच्छे नंबर बनाने का, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। यदि ये कर पाओगे तो स्टूडेंट मैं श्योर हूँ कि आप इस पेपर में भी अच्छे नंबर बना पाओगे। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दोलनी गति तथा आवर्त गति में अंतर समझाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है दोलनी गति तथा आवर्त गति में अंतर समझाओ, लेकिन हम यहाँ पर पहले क्या पढ़ेंगे? आवर्त गति, उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? दोलनी गति की। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं दो सेक्शन बना लेता हूँ, एक तरफ लिख देता हूँ मैं आवर्त गति और एक तरफ मैं लिख देता हूँ दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आवर्त का मतलब आप जानते हो कि एक आवर्त काल, एक सिंपल मैं वर्ड से बताऊँ तो, ठीक है, आवर्त काल मतलब एक निश्चित समय के बाद अपनी पिंड अपनी गति को क्या करे, दोहराए। तो ये लीजिए, यही परिभाषा बन गई किसकी? आवर्त गति की। तो आवर्त गति की परिभाषा क्या होती है? जब कोई कण, देखिए आवर्त गति का मतलब क्या होता है, ये काफ़ी टाइम पूछा गया क्वेश्चन, कई बार तो केवल आवर्त गति पूछा गया प्रीवियस ईयर में। आप देखोगे तो आवर्त गति से आप क्या समझते हो समझाइए, या अलग से पूछ लेगा दोलनी गति से आप क्या समझते हो समझाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आवर्त गति को समझते हैं। एक ऐसी गति जिसमें कोई कण निश्चित समय के बाद अपनी गति को अब आगे कहाँ पे लिखे स्टूडेंट, एक बार ही आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, अपनी गति को दोहराता है क्या कहलाती है? आवृत गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी क्या करती है स्टूडेंट? सूर्य के चारों ओर ठीक है, क्या करती है? चक्कर लगाती है और एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को क्या करती है दोहराती है। और कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे चंद्रमा की गति किसके सापेक्ष स्टूडेंट? पृथ्वी के सापेक्ष। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट किसके? आवर्त गति के। ठीक है, आवर्त गति का मतलब क्या होता है? जब कोई एक पार्टिकल निश्चित समय के बाद अपनी मोशन को क्या करे, रिपीट करे, तो जो मोशन होगा वो मोशन क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, देखिए एक होता है आवर्त, ठीक है, आवर्त का मतलब निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराना। तो आवर्त गति में देख लो ना, पृथ्वी एक निश्चित 24 घंटे के बाद क्या करती है? सूर्य के वापस चक्कर लगाती है ना, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो एक निश्चित समय है इनका, उनके बाद अपनी गति को क्या करते हैं? दोहराते हैं। तो जो गति होती है वो क्या कहलाती है? आवर्त गति। और जो दोहराने में समय लगता है, अर्थात चक्कर में जो समय लगता है, दोहराने में लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, चक्कर में जो समय लगता है स्टूडेंट, वह समय क्या कहलाता है? वह समय आवर्त काल
कहलाता है, वह समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो सके। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसको लेंथी इसलिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट कि कभी कभार केवल आवर्त गति को ही आपको अलग से पूछ लेगा, तो फिर आपको लिखने के लिए सफिशियंट मैटर हो, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, अलग से आवर्त गति को एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, दोलनी गति के बारे में। पर स्टूडेंट बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, आपको मतलब समझने में मज़ा आएगा और सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, मानव के लिए श्रव्य आवर्ति परास क्या है, मानव कर्ण के लिए, मानव कर्ण के लिए अर्थात मानव के कान कितनी रेंज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, तो मानव के कान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि कहीं साउंड चल रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हमको सुनाई नहीं देगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि कहीं पे साउंड चल रहा है और उसका साउंड 20 हर्ट्ज से अधिक है तो भी हमको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे जेट विमान होते हैं, ठीक है, फाइटर प्लेन होते हैं जो साउंड वेव से क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब तो ध्वनि की गति से भी ज़्यादा यदि मोशन करेंगे तो अपन को वो उनकी जो स्पीड है वो भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, और कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मतलब जो साउंड क्रिएट करते हैं वो 20 हर्ट्ज से भी क्या होता है, कम का होता है, इसलिए हमको उनकी भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो अर्थात मतलब 20 हर्ट्ज से कम सुनाई नहीं देगी और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक सुनाई नहीं देगी। तो ये 20 में मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, अब अपन वापस चलेंगे हमारे कौन से क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे, और अपन पढ़ेंगे कौन सा, दोलनी गति। देखिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑक्सिलरी मोशन अर्थात दोलनी गति। देखिए दोलनी गति नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी गति जिसमें क्या होगा, दोलन होगा। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए कि आप रोड से जा रहे हो, ठीक है, और आपको एक शोरूम दिखाई दिया, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोलनी गति, ऐसे ही समझ में आएगी ये, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो देखिए दोलनी गति को मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बाज़ार से जा रहे थे और बाज़ार में आपको दिखाई दिया एक शोरूम, ठीक है, और शोरूम में खड़ा था जैसे मान लीजिए कोई स्कूटी थी, ठीक है, आपने देखी कोई स्कूटी, ये सुंदर सी क्या है स्कूटी, ठीक है, ये लीजिए ये आपकी स्कूटी थी। अब आप ऐसे गुजर रहे थे, आपने देखा अरे वाह शोरूम में कितनी शानदार स्कूटी खड़ी है, फिर आप थोड़ी दूर आगे गए, फिर आपका मन हो गया अरे नहीं 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 उसको वापस देखते हैं, तो आप फिर वापस आए, फिर आप इसको देखने लगे, फिर आपका मन किया कि अरे नहीं अभी नहीं खरीदेंगे बाद में खरीदेंगे, फिर आप आगे गए फिर आपका फिर से मन हुआ कि अरे नहीं एक बार रोड देखेंगे, तो आप वापस आए, तो आप कर क्या रहे हो, इस स्कूटी के इर्द गिर्द क्या कर रहे हो, दोलन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दोलन कर रहे हो, अर्थात एक ऐसी गति जिसमें कोई कण, अब आप कण आप खुद को मान लीजिए, ये आप सुंदर से क्या हो गए, कोई पार्टिकल हो गए, ठीक है, अब ये पार्टिकल स्कूटी के अराउंड क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, मोशन तो कर रहा है पर कौन सा मोशन, ऑक्सिलरी मोशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोलनी गति। तो दोलनी गति की परिभाषा क्या होगी, एक ऐसी गति, समझना है स्टूडेंट इसको, समझ लो, वरना आवर्त गति और दोलनी गति में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, दोलन का चक्कर लगाती है, ठीक है, पर एक फिक्स निश्चित समय में। अब ये भी क्या कर रही है, निश्चित समय में क्या कर रही है, कर तो चक्कर ही लगा रही है, पर ये चक्कर क्या हो रहा है, एक प्रकार से दोलन के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, दोलन मतलब डोलना, आगे पीछे डोलना, अब आप किसके आगे पीछे डोल रहे हो, स्कूटी के, ठीक है बस। और आवर्त गति मतलब आवर्तकाल, और आवर्तकाल मतलब एक कंप्लीट मोशन। ठीक है, बस इतना समय लिए क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो दोलनी गति एक ऐसी गति, एक ऐसी गति जिसमें कण, जिसमें पार्टिकल, जिसमें कण एक निश्चित बिंदु, अब ब्रैकेट में स्कूटी नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि आप यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखोगे, और एग्जाम में स्कूटी नहीं लिखे, हाँ एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं बट स्कूटी थोड़ी ना लिखेंगे, है ना, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है या अपनी गति को दोहराता है, ब्रैकेट में लिख दूं, या अपनी गति को दोहराता है,
क्या कहलाती है? दोलनी गति, दोलनी गति कहलाती है। ये लीजिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। दो प्रकार से, पहला आवर्त गति क्या होती है और दूसरा दोलनी गति क्या होती है। अब दोलनी गति के अपन बनाते हैं क्या एग्जांपल, ठीक है, कि एग्जाम में यदि आपको एग्जांपल क्लियर है ना, तो आप यदि एग्जांपल को याद करके भी क्या बना सकते हो, परिभाषा बना सकते हो, ठीक है। तो बताओ ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिनमें पार्टिकल किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने स्प्रिंग लिया, उसमें बांध दिया पत्थर को, पत्थर बांध दिया और पत्थर को आपने जोर से खींच के छोड़ा, तो पत्थर एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या करेगा, दोलन करेगा। तो अपन एक एग्जाम्पल बना सकते हैं कि जब एक पत्थर को, अरे भाई मिट जाओ रे, देखो पत्थर को स्प्रिंग से बांधो, स्प्रिंग से बांधने पर, स्प्रिंग से बांधने पर वह एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या करता है, कंपन करता है, ठीक है। एक शानदार गिटार वाला, ठीक है, किसका, गिटार का, गिटार। अब गिटार में क्या होता है, आप क्या करते हो गिटार में, एक बार आप प्रेस करके छोड़ते हो तो तार क्या करता है, कंपन करता है, अर्थात गिटार का तार, गिटार का तार, पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। और कुछ हो सकता है ऐसा, घड़ी वाला, घड़ी का वो जो पुरानी घड़ी थी उनके जो पेंडुलम रहता है ना, उसको आप एक बार खींच के छोड़ दो तो ऐसे 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 क्या करता है, मोशन करता है, कोई एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या करेगा, मोशन करेगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट, दोलनी गति एक ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द क्या करता हो, दोलन करता हो या गति करता हो या अपनी गति को दोहराता हो, यह कहलाती है दोलनी गति। अब स्टूडेंट अपन डिस्कस कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, विभव कूप को परिभाषित कीजिए। देखिए एग्जाम में तो इतना ही पूछा गया था कि विभव कूप को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए, पर मैंने आगे लिख दिया कि विभव कूप के लिए बंधन ऊर्जा क्या होती है और विभव कूप के लिए बद्ध अवस्था क्या होती है। तो स्टूडेंट आप जल्दी से एक बार दोलनी गति का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अपन पोटेंशियल वेल की, अर्थात विभव कूप की। तो देखिए विभव कूप को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है, विभव कूप को एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, किससे, दोलनी गति का एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसका लेते हैं स्टूडेंट, दोलनी गति, दोलनी गति। देखिए दोलनी गति में क्या होता है स्टूडेंट, इसका यदि आप वेव के फॉर्म में आप लिखोगे तो कुछ ऐसा ऐसा आएगा कि उसको आप तरंग के रूप में बनाओगे ना तो ऐसा आएगा। अब तरंग के अपन क्या ले लें, कोई एक पार्ट ले लें, जैसे मान लीजिए ये ए ले लिया, ये क्या ले लिया, बी ले लिया। तो अब ये जो वाला जो ग्राफ बनेगा या ये जो एरिया बनेगा, मतलब ए से बी तक का, ए से बी तक से बाउंडेड जो एरिया है, जो बद्ध क्षेत्रफल है, बद्ध क्षेत्रफल क्या कहलाएगा स्टूडेंट, विभव कूप, विभव कूप कहलाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आपने ऐसे तुरंत ही बता दिया कि ए से बी, हमें कैसे पता चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन जो स्टार्ट करेंगे ना वो दोलनी गति ही होगा, और दोलनी गति में अपन इसको अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। बट एक बार अपन इसको समझने के लिए कि विभव कूप क्या है, तो विभव कूप में आप ऐसे लिखोगे कि दोलनी गति का ग्राफ निम्न अनुसार प्राप्त होता है, और इस ग्राफ में ए से बी बिंदु तक से, ए से बी बिंदु तक का परिबद्ध क्षेत्र, एक प्रकार परिबद्ध क्षेत्र क्या कहलाता है, विभव कूप कहलाता है, और यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जाओं का अंतर, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी मिनिमम, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा हो जाएगी स्टूडेंट मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी माइनस कर दीजिए आप कितना, मिनिमम एनर्जी। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। अब यदि किसी पार्टिकल के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि बंधन ऊर्जा से कम है, तो वो स्टूडेंट इस कूप में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं आ पाएगा, इससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, बाउंड स्टेट बोलेंगे, अर्थात क्या बोलेंगे, बद्ध अवस्था बोलेंगे। थोड़ा सा मैंने इन शॉर्ट समझाया क्योंकि ये डेढ़ नंबर का क्वेश्चन था, और डिटेल में तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको वो समझ आए होंगे, ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और कल जो अपन स्टार्ट करेंगे वो भी टॉपिक कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई एग्जाम से रिलेटिव जरूर होगा। तो ये वीडियो आपको समझ आया हो
तो वीडियो को शेयर कीजिए। यदि फिर भी यदि आपको इस वीडियो से क्या हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है उस पर आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।